प्रदेश की आशा एवं सहयोगियों को जीने लायक वेतन मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर जारी हड़ताल के दौरान 24 जून को आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में मिशन संचालक ने यह बताया था कि आशाओं के लिए 10,000 रुपए मासिक वेतन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में मिशन संचालक ने अन्य मांगों के भी निराकरण की बात कही, जिन्हें पूरा कर आदेश विभाग की ओर से जारी भी किया गया, लेकिन वेतन वृद्धि की मुख्य मांग पर ना तो NHM की ओर से ना ही राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई निर्णय आया, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा को हड़ताल जारी रखना पड़ा। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के 35वें दिन 5 जुलाई को आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्पष्ट आश्वासन देते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था कि उन्होंने कहा था कि आशा एवं सहयोगियों के वेतन वृद्धि के मामले में मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही इस संबंध में खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री के इस आश्वासन और आग्रह को मानकर संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय किया। प्रदेश भर की आशा एवं आशा सहयोगियों को यह भरोसा था कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों के बराबर आशाओं को 10,000 रुपए एवं उसी अनुपात से आशा पर्यवेक्षकों के वेतन में वृद्धि कर आशाओं को राहत देगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री महोदय के आश्वासन के 30 दिन पूरे होने के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से वेतन वृद्धि की मांग को पूरा किए जाने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाए जाने से प्रदेश भर की आशा एवं सहयोगियों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के 30 दिन पूरे होने के बाद आज दिनांक 5 अगस्त को आयोजित प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के साथ आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन को पूरा करने की मांग करने और ऐसा ना होने पर स्थगित आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने एवं मिशन संचालक द्वारा प्रस्तावित वेतन मानदेय वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार की ओर से निर्णय दिए जाने तक आंदोलनात्मक कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लिया है। सर, हमारी मांग यह है कि हमने पिछली 5 जुलाई को हड़ताल स्थगित किया था और स्वास्थ्य मंत्री और सरकार द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हमें 1 महीने का समय दिया जाए और उन्होंने हमको बोला था कि हमें 1 महीने का समय दिया जाए, हम इस बीच आपकी बातों पर विचार करेंगे, समिति बनाएंगे। ये हम 1 महीने का समय मांगा था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे और आशा उषा सहयोगनी सभी ने 1 महीने तक निरंतर हड़ताल करी और 1 महीने हमने इंतजार करा कि सरकार अब हमारे बारे में कुछ सोचेंगी। केवल उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमारा समय का बहुत दुरुपयोग करा है और आज से हमने जिला कलेक्टर ऑफिस में मैडम को ज्ञापन दिया है और 9 अगस्त से हम फिर इकट्ठे होंगे यहाँ पर और हड़ताल को जारी रखेंगे जिला मुख्यालय पे। 9 अगस्त को हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी बात सुननी जाए, अन्यथा 9 अगस्त से हम विभिन्न आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा क्योंकि सरकार ने हमारे साथ बहुत धोखा करा है। 1 महीने के अंदर के सरकार ये तय नहीं कर पाई कि आशाओं को 10,000 रुपये और संयोजनों को 15,000 रुपये दे सके। हमारे पास आदेश भी आए थे कि अभी हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आशाओं को 10,000 रुपये और संयोजनों को 15,000 रुपये हम देंगे। हमें गुमराह किया गया बार बार, हमें बहुत मानसिक प्रताड़ना हुई है कि सरकार हमारे संग बहुत धोखा दे रही है। 9 अगस्त से पूरे MP के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पे तरह तरह के आंदोलन चलाए जाएंगे और ये हमारी सरकार को चेतावनी है कि 9 अगस्त तक कोई निर्णय ले ले, नहीं तो ये हड़ताल बहुत उग्र रूप लेगी।